सो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है फिल्म मेकर अर्षित। और आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक कमाल सी वीडियो जो कि होने वाली है शटर के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो पर बताया था कि मैं लेकर के आऊंगा एक वीडियो शटर और अपर्चर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, तो ये वीडियो शटर के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखते रहिएगा जिससे कि आपको शटर के ऊपर जितनी भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, शटर कैसे काम करता है, कैसे सारी चीजें होती हैं शटर के पीछे, शटर मैकेनिज्म के पीछे, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके कैमरे पर अगर आपने देखा होगा कि 1/ करके कुछ नंबर होता है शटर का, 1/10, 1/30, 1/20, 1/100, 1/50, 1/60, बहुत सारे अलग अलग नंबर होते हैं। तो आपको क्या राइट शटर स्पीड है जो आपको चूज करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शटर काम कैसे करता है। शटर बेसिकली है क्या कि इसे अपना शटर बटन, इसलिए जो हम लोग बटन होता है फोटो क्लिक करने का उसको बोलते हैं शटर बटन, क्योंकि वो करता क्या है कि आपको शटर तुरंत खोल करके तुरंत बंद कर देता है। मतलब जो भी आपने टाइम डिसाइड किया हो, जितना ही आप कम नंबर डिसाइड करोगे उतना ही ऐसे धीरे से खोल करके बंद होगा। जितना ही बड़ा नंबर 1/1000 होगा तो काफी जल्दी से खोल करके बंद हो जाएगा, और जितना ही छोटा नंबर 1/ के नीचे 1/10 तो थोड़ा धीरे से होकर के बंद होगा, और उसके नीचे जाओगे तो फिर 1/10 जैसे है तो वो 1 हट जाएगा, सीधे 10, 5, 1, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके नंबर आते हैं, फिर सिंगल नंबर हो जाता है क्योंकि वो उससे भी बड़ा नंबर हो चुका है कि डिवीजन से हट चुका है। तो वो ऐसे होता है, जैसे 1 हो गया तो वह 1 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे करके शटर का नंबर डिसाइडेड होता है, तो सेकंड का नंबर है। जैसे कि 1/4000 तो 1 सेकंड के 4/4000 पार्ट में शटर खोल करके बंद हो जाएगा। तो आपको जितना ही फास्ट मोशन कैप्चर करना होगा तो उतना ही ज्यादा आप नंबर सेलेक्ट करोगे 1/ के नीचे, जैसे 1/4000, 1/2000 हमारा स्पोर्ट्स में यूज होता है, वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में वो होता है 1/2000, 4000, 5 महंगे महंगे कैमराज में और ऊपर 8000 तक नंबर जाता है, ऐसे ही नंबर डिसाइडेड होते हैं। बट उसका एक नुकसान ये भी होता है कि जैसे आप 1/ के नीचे नंबर बढ़ा रहे हो आपका एक्सपोजर भी गिर रहा है, तो भी आपको देखना पड़ता है कि आप उसको कैसे कंपनसेट करोगे। वह आप या तो एपर्चर से करो या फिर अपना होता है उसके साथ करना पड़ता है, या फिर आप एक्सटर्नल लाइट्स का यूज करो, क्योंकि कितनी भी ज्यादा लाइट हो बाहर बट अगर आप एक लिमिट से ज्यादा उसको बढ़ाते जाते हो 1/4000, 1/5000, तो आपको एक्सटर्नल लाइट या ISO वगैरह का यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप उसको कंपनसेट कर सको, वरना फिर आपकी फोटो अंडर एक्सपोज भी आएंगी। तो आपको देखना है कि किस जगह पर कैसी फोटोग्राफी के लिए आपको कितना शटर स्पीड चाहिए होगा। जैसे नॉर्मल आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो उसमें 100, 120 ऐसे चल जाता है, 250, 200 तो थोड़ा बहुत तो आप देख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इतना ही यूज करो। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें फोटोज खींचनी है और एक्सपोजर ज्यादा है, हमारे पास ND फिल्टर नहीं है, तो फोटोग्राफी में क्या है कि आप शटर बटन शटर बढ़ा दो क्योंकि आपको अपर्चर नहीं बढ़ाना है और ISO भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उनके दो अलग अलग नुकसान होंगे अगर आप वो यूज करते हो। तो आप सीधे शटर बढ़ा देते हो और आपकी फोटो खींच जाती है क्योंकि आप उससे एक्सपोजर भी कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे मैंने बात करी भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की, वैसे होती है लाइट फोटोग्राफी। लाइट फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि हमने अपने कैमरे को जैसे अभी स्टिल छोड़ा हुआ है एक जगह पर, कैमरा बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल शेक नहीं कर रहा है, वैसे हम अपने कैमरे को स्टिल छोड़ देते हैं और शटर बटन दबाते हैं, और फिर आप लाइट से जो भी ड्राइंग करोगे वो ड्राइंग कैप्चर रहती है आपके कैमरा में। तो इससे पता चलता है कि हमारा शटर कर क्या रहा था, हमारा शटर दोनों टाइम पे अलग अलग काम कर रहा था। जैसे मैंने बताया कि स्पीड तो डिसाइड कर ही रहा है, बट किस चीज की स्पीड डिसाइड कर रहा है, आपके शटर की तो है ही, साथ में वो उस मोशन की स्पीड डिसाइड करता है। आप जितने ही टाइम के लिए शटर खोलेगा उतने टाइम में जितना भी मोशन होगा आपके कैमरे के आगे उस सारा उस फोटो के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको शटर था जैसे कि मैंने अपना शटर डाल लिया इस कैमरे का 10 डाल दिया, तो अगर मेरा सिर्फ 10 है शटर तो मेरा शटर जो है वो थोड़ी देर तक खुला रहेगा। तो मैं अगर अपना हाथ ऐसे मूव करता हूँ धीरे से, तो मेरा हाथ जो यहाँ से यहाँ तक गया था ना वो पूरा ऐसे बन जाएगा, उस फोटो में आ जाएगा। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा फोटोज और वीडियोस के थ्रू, तो आपके उसमें आ जाता है। और अगर मैंने बहुत ज्यादा रख दिया था शटर, जैसे 1/500 कर दिया या 400 कर दिया, तो मैं अगर ऐसे फास्ट भी कर दूंगा ना तो मेरा हाथ बिल्कुल स्टिल आएगा, एक जगह पर रुका हुआ आएगा। आप अपने कैमरे से कोई भी कैमरा उठाना, उसे एक चीज ट्राई करना, चलते हुए पंखे की फोटो खींचना। जब आप वही फोटो अलग अलग शटर स्पीड पर खींचोगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जब आप 1/400, 1/500 पर जब आप फोटो खींचोगे ना, तो आपको कैमरा पंखा जो है ना अपना, वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बंद है, चल ही नहीं रहा, एक ही जगह पर रुका हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप 1/10, 1/30 या फिर 1/60 इन सारी स्पीड्स के आसपास खींचोगे तो आपको पंखा ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसकी ब्लेड्स आपको समझ ही नहीं आएंगे कि ब्लेड्स कहाँ हैं। तो ऐसे होता है जब आप पंखे के साथ करते हो ये चीजें। ऐसे ही जब आपको चलती हुई कार की फोटो खींचनी है और पीछे मोशन ब्लर चाहिए, तो आप एक शटर स्पीड डिसाइड करते हो, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें आप अगर ज्यादा शटर स्पीड ले लोगे
तो फिर सब कुछ स्टिल आ जाएगा। तो आपको कैमरा साथ में मूव करना है और कार की स्पीड में आपको फोटो खींच देनी है कम शटर स्पीड में। तो ऐसे ही ये सारी चीजें काम करती हैं। तो शटर से बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके सेंसर के सामने जो भी मोशन हो रहा है उस टाइम पीरियड के बीच में, जो भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया था 1/10, 1/100, 1/400, 1/5000, जो भी डिसाइड किया था उसके टाइम पे जितना भी आप सेंसर के सामने जो भी होगा मोशन वो कैप्चर कर लिया जाएगा। अब अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग के वक्त, अगर आपको अपना शटर डिसाइड करना है तो जैसे कि अभी है आर्टिफिशियल लाइट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने अपना शटर बहुत कायदे से डायल किया हुआ है। तो ये कैसे मैंने डिसाइड किया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग अपने फोन से कुछ भी रिकॉर्ड करते हो वीडियो वगैरह, तो कभी कभी आपने देखा होगा स्लो मोशन वगैरह के वक्त या फिर टीवी वगैरह को रिकॉर्ड करते वक्त बहुत बार लाइंस आ जाती है, उनको फ्लिकरिंग बोलते हैं। वो लाइंस कैसे आ जाती है आपको पता ही नहीं यार, और उनको कैसे हटा सकते हैं कैमरा से रिकॉर्ड करते वक्त? तो उनका कुछ नहीं, जैसे कि इंडिया में जो लाइट आती है वो 50 Hz पर आती है, तो जो लाइट है तो वो फ्लिकर करती रहती है, आपको आंखों से नहीं दिखता बट कैमरा देख सकता है आपका कि लाइट फ्लिकर कर रही है। तो आपको एक करेक्ट शटर स्पीड चूज करनी होती है अपने कैमरा के लिए, जिससे कि वो सिंक कर जाए और ऐसे फ्लिकर्स ना आए, बीच बीच में वो लाइनें ना आए। तो जैसे कि 1/50 और 1/100 इंडिया के हिसाब से सही रहता है। और आपको करेक्ट शटर स्पीड में एक चीज और बता दूं, जितना भी आपका फ्रेम रेट है उसके डबल करके आपको शटर स्पीड चूज करनी होती है। जैसे 1/50 चूज करना होता है 25 फ्रेम्स के लिए, 1/100 चूज करना होता है 50 फ्रेम्स के लिए, ऐसे नॉर्मली चूज करना होता है 60 फ्रेम्स के लिए अगर आप चूज करना चाहोगे तो 120 आपको फ्रेम्स डालने पड़ेंगे। बट अगर आप रिकॉर्ड करते हो 24 फ्रेम्स तो 24 फ्रेम्स के लिए भी आपको 1/50 ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 1/48 किसी कैमरे में नॉर्मली नहीं होता है, बहुत ही रेयर आपको कुछ देखने के लिए मिला बट नॉर्मली आपके कैमरा में वो दिखेगा ही नहीं। और आप लोग बोलोगे कि मैंने तो गलत बता दिया, तो ऐसा होता नहीं है। जैसे 24 के लिए 1/48 होता है बट नियरेस्ट 1/50 आप लोग चूज करते हो कि फ्लिकरिंग ना आए। तो ये कुछ चीजें थी शटर स्पीड को लेकर के कि शटर स्पीड कैसे काम करती है और कैसे आप लोग चीजें डिसाइड करते हो शटर स्पीड को लेकर के। आपके कोई भी डाउट्स हो, मैंने बेसिक्स का तो नहीं इस बार मैंने काफी डिटेल में कवर किया है कि कैसे शटर स्पीड काम करती है, तो आप लोग के कोई भी डाउट्स हो अपने नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज @playback.pictures पर फॉलो कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अपने आने वाले अगले किसी वीडियो पर।